भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए 2008 के हमले के वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी कुरैशी को इमरान सरकार में भी मिली है। लेकिन 20 अगस्त को मंत्रालय का कामकाज संभालते ही उन्होंने बड़ा झूठ बोल दिया, जिसकी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गलत व्याख्या कर डाली। दोबारा मंत्रालय मिलने के उत्साह में उन्होंने जियो टीवी पर कह दिया कि अपनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा। भारत के साथ लगातार बाधा रहित बातचीत करने की जरूरत है। हम पड़ोसी हैं, हमारे बीच लंबे समय से मुद्दे लंबित हैं। हम दोनों इन समस्याओं के बारे में जानते हैं, लेकिन बातचीत शुरू करने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हम जोखिम नहीं उठा सकते। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान को लिखे पत्र में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने का संकेत दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बोला गया ये झूठ तुरंत ही बेनकाब हो गया, जब भारत सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बधाई पत्र जरूर भेजा है, लेकिन इसमें बातचीत का कोई प्रस्ताव शामिल नहीं है। फिलहाल 2016 में हुए पठानकोट हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है। आपको बता दें, मुंबई हमले के दौरान तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी भारत में ही थे, जिन्हें भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने तत्काल भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाने को कह दिया था।